पेशेंट की माँ कौन है? देखिए वो बेहोशी की हालत में माई माई बुला रहे हैं। हम माई हैं, वो हमें माई बुलाता है। देखिए वो जो भी हो, आप में से कोई एक उनसे इस समय मिल सकता है। अर्चना तुम जाओ, मैं देखता हूँ कौन रुकता है। कोई नहीं जाए, तुम जाओ। कार को बीच में आ बल्लन, मिस्टर बालन। इंस्पेक्टर पाटिल, मुंबई पुलिस। मिस्टर बालन, मुझे आपको और इन्हें अरेस्ट करना होगा। किस जुर्म में? इनके बेटे को किडनैप करने की जरूरत। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन मेरा बेटा आईसीयू में, मुझे बस एक बार उसे देखना है, फिर हम चलेंगे, प्लीज बस एक बार। इंस्पेक्टर ले जाइए उन्हें। चलो ले चलो। नहीं भाई, मेरी बात सुनो एक बार। ताई ने कहना मुझे एक बार सौंप को देखना है, प्लीज ताई, प्लीज उनसे कहना मुझे मत लेके जाए, मुझे सिर्फ एक बार देखना, मेरी बात सुनो, मुझे मत लेके जाइए। इस बार एक बार खोल, तुम्हें एक एक बार मुझे देख सो, मैं तेरी आई हूं, मुझे देख सो। मैंने 18 साल इंतजार किया है, कब तू आएगा, बस तेरे मुंह से यह सुनने के लिए। बोल ना आई, एक बार आई, आई कहते प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सो हम एक बार आके खोल ना, बच्चा मेरा बच्चा। रिक्शा, पूर्वी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मैं रिक्शा से चली जाऊं। देखो पूर्वी, तुम्हारा मेरे साथ ना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें घर पहुंचना ज्यादा जरूरी है, राइट? सोहम दादा का टेंशन, घर में आई अकेली, घर पहुंचना ज्यादा जरूरी है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। चलो डॉक्टर।
एक वक्त था जब हमारे बीच की खामोशी में भी प्यार था, लेकिन आज वही खामोशी मुझे चुपती है पूर्वी। कितना कुछ कहने को है, बताने को है, लेकिन जाकर भी मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पाता। भैया ये फूल ले लो ना। नहीं बेटा वो। भैया ले लो ना, प्लीज प्लीज, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। भैया ले लो ना प्लीज। नहीं चाहिए हमें, जाओ यहां से। दादा बस यहाँ साइड में रोक दीजिए। थैंक्स। चलो रहना। अर्जुन, आज बहुत लेट हो गए। हो, काम थोड़ा ज्यादा था। मैडम, पूर्वी मैडम की डायरी गाड़ी में छूट गई थी। ये लीजिए। मैं दे दूंगी। पूर्वी की डायरी। हाँ एक्चुअली पूर्वी रास्ते में मिल गई थी, काफी देर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं उसे घर छोड़ दूं। उसका घर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, घर पे काफी टेंशन है, राइट? सो आई थॉट कि आई हेल्प हर। ओ मैम, तुम चाहे मुझसे कुछ भी कह लो अर्जुन, सच्चाई क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हर बार तुम्हारा और पूर्वी का मिलना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। शादीशुदा होने के बाद भी तुम उससे छुप छुप कर मिलते, लेकिन मैं ये सब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। मिस्टर मानव। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। देखिए, इनिशियली तो हमने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है, लेकिन ही इज इन अ क्रिटिकल स्टेट। गोली हार्ट के पास लगी थी, हमें उनकी दोबारा सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर, आपसे आपको जो करना है जल्दी कीजिए। आपको सर्जरी करनी है सर्जरी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। देखिए, जब से केस हमारे पास आया है तब से हम मुंबई और दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लकीली हमें अभी एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर लोकेट हुआ है। हाँ तो उन्हें तुरंत बुलाइए। देखिए, उनकी फीस, उनके टिकट का फेयर, जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं मैनेज करवा दूंगा। मैं टिकट अरेंज करवा देता हूँ। देखिए, वो नहीं आ सकते हैं, वो इस समय मुंबई में है और एक अर्जेंट केस हैंडल कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर ऑनर भट्टाचार्य है और वो वर्ल्ड वाइड रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है और प्लस कार्डियोथेरेपिक सर्जन भी है। वो वॉर जोन के ट्रॉमा स्पेशलिस्ट भी है। अगर वो आपके बच्चे का ऑपरेशन करेंगे तो निसंदेह आपका बच्चा बच जाएगा। आपको आपके बेटे को लेकर मुंबई जाना होगा। मैंने आज ही उनसे बात की है और वो तैयार है आपके बेटे का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आप तुरंत डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाइए, मैं अपने बेटे को मुंबई शिफ्ट करने की तैयारी करता हूँ, चाहे जो हो जाए। डॉक्टर, मैं अपने बेटे की जान बचा कर रहूंगा। ठीक है मिस्टर मानव, मैं पेपर्स तैयार करता हूं, आप तैयारी कीजिए।
अरे दरोगा साहब, हमका यहाँ जेल में डाल के अच्छा नहीं किया आपने। शायद आपको ये नहीं पता कि हमारा बेटा बाहुबली बन गया है। बाहुबली बड़े बड़े राजनेता का हाथ है उनके सर पे। यहाँ से एक फोन घुमाएंगे ना तो सीधे ऊपर से ऑर्डर आएगा हमको छोड़ने का, और तब देखना छक मार के हमको छोड़ना पड़ेगा। समझो कि नहीं? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी। ये मुंबई है मुंबई, दरभंगा नहीं। और तुमने जो जुर्म किया ना उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। किडनैपर्स का साथ देते हो तुम, हाँ? उसे अपने घर में पनाह देते हो। वर्षा के जुर्म में तू भी बराबर का हिस्सेदार है। और वो जो सोहम है ना, वो तेरा बेटा नहीं, वो मानव देशमुख का बेटा है। मानव देशमुख का बेटा, साला मानव देशमुख ससुरे को उस दिन उसी पंडाल में मार देते, नौबत नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ हमने जुर्म किया है। मेरे जो भी जुर्म है, आप उसकी सजा मुझे दे दीजिए। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज एक बार, बस एक बार अर्जुन भाई को फोन कीजिए और पता कीजिए कि सोहम को होश आ गया, वो कैसा है। प्लीज पूछ लीजिए ना एक बार, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। हाँ हाँ दरोगा साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, क्योंकि लाला की चिंता में हमारी भी जान चली जा रही है। एक बार पता कीजिए ना होश में है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार लगाइए ना फोन। इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक बार। हर हाल में हमारे लाला को बचना चाहिए और बहुत जल्दी ठीक भी होना चाहिए। बहुत दिनों से हमारा धंधा ठंडा पड़ा है। हाँ इंस्पेक्टर, बोलिए। मिस्टर मानव, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि अब आपका बेटा कैसा है। वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। वहां दरभंगा में उसे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है ना? नहीं इंस्पेक्टर, हम लोग अभी दरभंगा में नहीं है। हम लोग हमारे सोहम को लेकर मुंबई आ गए, सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर उनिर भट्टाचार्य सोहम का केस हैंडल कर रहे हैं। मिस्टर मानव, डोंट वरी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से? नहीं मानव, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। सच क्या है ये हम जानते हैं मानव। देखिए मानव, हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह हमारे सोहम को ठीक कर दें। बड़े से बड़ा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा इलाज हम कर रहे हैं। अब क्यों अपने आप को दोषी समझ रहे? आप देखिएगा हमारा सोहम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपको बप्पा पे विश्वास है ना? सर पल्स रेट काफी हद तक नॉर्मल, गोली ने हार्ट को बुरी तरीके डैमेज। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा बच्चा अंदर है। सोहम प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। सब ठीक हो जाएगा धीरे। ऑपरेशन से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है तो आप इन पर साइन कर दीजिए प्लीज। अर्चना, दरभंगा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि डॉक्टर उनिर भट्टाचार्य बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस डॉक्टर है। उन्होंने ऐसे कई सारे केसेस हैंडल किए हैं। तुम देखना हमारे सोहम का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अर्चना,
इस सब हड़बड़ी में हम लोग सुलोचना आई को बताना ही भूल गए। मैं काम करता हूँ, मैं फोन कर देता हूँ उन्हें। अब क्या कह रहे हैं बाबा? आप सोहम दादा को मुंबई ले आए तो बहुत अच्छी बात है क्या? जी जी मैं आज ही से बात करती हूँ। क्या हुआ? हाँ तू इतनी परेशान क्यों है? आजी तुझे वो विष्णु याद है? विष्णु? विष्णु वो गुंडा बदमाश, क्या किया उसने? उसने फिर से परेशान किया क्या? आजी वो विष्णु ही हमारे सोहम दादा। क्या कह रही तू? वो गुंडा बदमाश हमारा सोहम? कैसी परीक्षा ले रहे पापा हमारी अर्जुन की? अरे जिस बेटे के लिए उसने इतनी तकलीफ उठाई वो बेटा उसके सामने आया तो इस रूप में, एक गुंडे और बदमाश के रूप में? नहीं, मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे मेरी अर्जुन इतनी गुणी है, इतनी संस्कारी है, वो ऐसे गुंडे बदमाश बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? आज प्लीज तू सोहम दादा के बारे में ऐसे मत बोल। क्या गलत कह रही हूँ मैं? उसने तुझे किडनैप किया, मानव को किडनैप करने की कोशिश की, करोड़ों की फिरौती मांगी। कोई भला आदमी, कोई शरीफ आदमी ऐसा कर सकता है क्या? देखाजी मुझे सब कुछ याद है, लेकिन सोहम दादा ने मेरे लिए जो किया है वो भी मैं नहीं भुला सकती। अरे क्या किया है उसने तेरे लिए? आजी जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था ना तो वो सोहम दादा ही थे जिन्होंने मुझे कहा था कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ एकदम सुरक्षित हो, एकदम टिप टॉप। और आजी सोहम दादा ने अपने साथियों को मुझे मारने के लिए भी मना किया। मुझे खाना खिलाया। जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो सोहम दादा ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उनके साथ ही मुझे मार डालेंगे। कहा है हम ठहरे अहिंसा बात, हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो हमारा तीन फ्रेंड है ना बहुत नालायक है, ससुरा मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात कर। अच्छी उस दिन मैंने उनकी आंखों में, उनकी बातों में वो सच्चाई देखी थी जो मैं आज तक नहीं भुला पाई, और अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बर्ताव किया मेरे साथ, मेरा ख्याल रखा। देखा जी मैं मानती हूँ कि उनमें बहुत सारी बुराइयां होंगी, मगर उन बुराइयों की वजह से हम उनकी अच्छाइयों को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना जी। उन्हें परवरिश गलत मिली है, लेकिन उनकी रगों में तो खून आई बाबा का ही है ना जी, तो फिर वो बुरे कैसे हो सकते हैं जी? वो आज ऐसे इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें ऐसे माहौल में रखा गया था, उन्होंने जो देखा वही उन्होंने सीखा। आजी इसमें सोहम दादा का कोई दोष नहीं है। सारा दोष वर्षा का है। आजी वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब दोष सोहम दादा का है ही नहीं तो फिर हम उन्हें बुरा क्यों कह रहे हैं? पर वो चाहे बुरे हो या भले, ये तो हमारे अपने ही ना आजी। और ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं आजी, वहां सोहम दादा की जान खतरे में है। सोहम की जान खतरे में? क्या मतलब? आजी आई और बाबा जब दरभंगा गए थे ना वही उनकी उन लोगों के साथ कुछ अनबन हो गई, इस पर सोहम दादा ने आई पर बंदूक तान दी और बाबा ने सोहम दादा पर गोली चला दी। ये तो क्या क्या कह रही है? हाँ ये सब तो मुझे आप बता रही है, पर चुकी से और सोहम कैसा है? अच्छा ये सब कुछ मैं तुझे रास्ते में बताऊंगी, अभी हम चले। पता नहीं मेरी अर्जुन किस हाल में होगी, कैसी